हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल मिनी टू मैक्स पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको मिलती रहे हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और ईमेल आईडी बनाने के लिए हमें करना होगा अपने गूगल क्रोम को ओपन। तो मैं अपने गूगल क्रोम को करता हूँ ओपन। ओपन करने के बाद आपको टॉप साइड में, जो आपका टॉप कॉर्नर है, वहाँ पर आपको मिलता है दो ऑप्शन, जिसमें लिखा होता है जीमेल और दूसरे ऑप्शन में लिखा होता है इमेज। तो आपको नया जीमेल अकाउंट बनाने के लिए आपको जाना होगा जीमेल वाले ऑप्शन पर, और जैसे हम करते हैं इस पर क्लिक, और क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। फ्रेंड्स, अगर आप पहले से ही कोई ईमेल आईडी बनी हुई है आपको, अगर आप चाहते हैं उसको ओपन करना, तो आप यहां पर उसको डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कोई नई ईमेल आईडी को क्रिएट करना, तो आप क्रिएट अकाउंट पर जा सकते हैं। तो मैं जाता हूं क्रिएट अकाउंट पर। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, नंबर वन माई सेल्फ, और नंबर टू माई चाइल्ड, और टू मैनेज माई बिजनेस। तो फ्रेंड्स, मैं करता हूँ माई सेल्फ वाले ऑप्शन पर क्लिक, और क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का फॉर्म दिखाई देगा जो कि आपको फिलअप करना है। यहाँ पे आपको टाइप करना होगा अपना फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम, फिर आपका जो यूजर नेम होगा जो अवेलेबल होगा वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा आपके नाम के मुताबिक। उसके बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर नाम को ऐड कर लेता हूँ, जो मेरा फर्स्ट नाम है और लास्ट नाम है उनको मैं ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर अपने लास्ट नाम को भी ऐड कर लूँगा। मैंने अपने पूरा नाम को यहाँ पर ऐड कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर उससे मेरे नाम से मिलते जुलते यहाँ पर आपको कुछ यूजर नेम दिखाई देंगे। तो आपको यहाँ पर कोई भी एक यूजर नेम को सेलेक्ट कर लेना जो कि आपको अच्छा लग रहा हो। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ से एक अपने ये वाले बीच वाले जो मेरा है वो मुझे पसंद है, तो मैं इसी को कर लेता हूँ क्लिक। और क्लिक करने के बाद मेरा यूजर नेम जो है वो रेडी हो चुका है। और फ्रेंड्स, उसके बाद में मैं यहाँ पर क्रिएट करना होगा एक पासवर्ड जो कि कम से कम 8 लेटर का होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें एक पासवर्ड को क्रिएट करता हूँ। अगर आप चाहते हैं पासवर्ड को क्रिएट करें और वो आपको शो हो, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं शो पासवर्ड पर। जैसे ही आप कोई भी नंबर लेटरों को टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर शो होंगे। अगर आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पर वो पॉइंट में दिखाई देंगे। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ कुछ, तो आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो दोनों तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं, चाहे शो पासवर्ड करके डाल सकते हैं, चाहे आप अपने अंदाजे से डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं फ़िलहाल यहाँ पर अपने अंदाजे से ही एक पासवर्ड को क्रिएट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने जो पासवर्ड है वो क्रिएट कर लिया है। उसके बाद मुझे वो पासवर्ड कंफर्म करना होगा, मतलब दोबारा रीटाइप करना होगा, जैसे कि मेरा जो पासवर्ड है वो पहले वाले से मैच हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें भी वही पासवर्ड को डालूंगा जो कि मैंने पहले डाला है। फ्रेंड्स, मैंने दोनों बॉक्सों में अपने पासवर्ड को ऐड कर लिया है। उसके बाद मुझे करना है यहाँ पर नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद में आपने देखा मैंने यहाँ पर अपना जो पासवर्ड था वो डाला है, वो हो गया है यहाँ से गलत, क्योंकि मैंने उसमें एक पासवर्ड को गलत डाला था आपको दिखाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके साथ में ऐसी गलती आती है तो आप यहाँ पर शो वाले पासवर्ड पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा पासवर्ड है वो शो हो चुका है। आप चाहें तो यहाँ से इसको देख कर रीटाइप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा ही कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना पासवर्ड को क्रिएट कर लिया है जो सेम है मेरा पहले वाले पासवर्ड से मैच करते हुआ। फ्रेंड्स, अब हम करते हैं यहाँ पर क्लिक नेक्स्ट पर, और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको मिलता है। यहाँ पर आपको अपना एक मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड करना होता है, यहाँ पे ऐड करना होता है। तो मैं यहाँ पर अपने एक मोबाइल नंबर को ऐड कर लेता हूँ। और ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं
मैंने अपना जो मोबाइल नंबर है वो ऐड कर लिया। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर एक रिकवरी ईमेल भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। और यहाँ पर आपको डालना होगा अपने डेट ऑफ बर्थ में जनवरी और 01 और यहाँ पे ईयर डाल देता हूँ अंदाजे से 1999। उसके बाद आपको यहाँ पर एक जेंडर का ऑप्शन मिलता है। आपको पता है कि आप मेल हो या फीमेल हो। अगर आप लेडी हो तो आप फीमेल डाल सकते हो, अगर आप जेंट्स हो तो आप मेल डाल सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर अपना जो है डाल देता हूँ, मैं हूँ मेल तो मैं डाल देता हूँ मेल। और मेल पर क्लिक करने के बाद आपको करना होगा नेक्स्ट पर क्लिक, और क्लिक करने के बाद आपके जो मोबाइल नंबर है वहाँ पर एक OTP आएगा। तो फ्रेंड्स OTP आपको लेना है तो आप करते हैं यहाँ पर सेंड पे क्लिक, और आप चाहें तो नोट नाउ भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से करता हूँ नोट नाउ, और नोट नाउ करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके की इसकी जो ईमेल आईडी की टर्म एंड पॉलिसी है वो आपको यहाँ पे शो होगी। फ्रेंड्स आप चाहो तो इनको पढ़ भी सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हो। फिलहाल मुझे कैंसिल नहीं करना है, मुझे करना है एग्री। तो मैं करता हूँ एग्री पे क्लिक, और क्लिक करने के बाद आपके सामने थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी। उसके बाद में आपको अपना जो जीमेल अकाउंट है वो ओपन होना लग जाएगा। तो फ्रेंड्स हम करते हैं थोड़ा सा वेट। वेट करने के बाद आप देख सकते हैं जो हमारी ईमेल आईडी है वो बन चुकी है। आप यहां से अपने इनबॉक्स में जाकर जो भी आपको मैसेज आएंगे वो आपको यहां पर शो हो जाएंगे। फ्रेंड्स यहां से हमें आपको टॉप कॉर्नर में जाना है, और वहां पर आपको अपने आईडी का जो फर्स्ट लेटर है वो आपको शो होगा। आप वहां से जा कर के उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से सिंग आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं कर लेता हूँ फिलहाल इसको साइन आउट, और साइन आउट करने के बाद आपकी जो ईमेल आईडी है वो साइन आउट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल मिनी टू मैक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में।